अगर मरना ही है कुदरत के द्वारा तो मर जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक हम लोगों का तटबंध नहीं होगा। ये हम लोगों का ये इस बार चैलेंज है, खुला चैलेंज दे रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। आज हम आपको एक ऐसी खबर देने वाले हैं जिसे देखना, जिसका सुनना, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चुनाव का दौर चल रहा है, तमाम तर पार्टियां साठगांठ में लगी हुई है। भाई, जिनका जिनके साथ गठबंधन बन जाए सब अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं और सबकी यही कोशिश है कि साहब किसी तरह से हमारी बात बन जाए। लेकिन किशनगंज जिला के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है जिसे हम बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है दिगल बैंक प्रखंड और दिगल बैंक प्रखंड के तहत आता है आपको पत्थरघटी पंचायत और एक और पंचायत है। ये दो पंचायत हैं, दो पंचायत के लगभग 10 से 12 गाँव ऐसे हैं जहाँ के लोगों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। चौंक गए ना आप कि आखिर क्या वजह है कि भाई 10 से 12 गांव के लोग टोटल जो है बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, दरअसल हम विजुअल्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने बहिष्कार करने की बात कही है और क्यों कही है। ये 10 से 12 गांव ऐसे हैं जहां के जिम्मेदारों ने, जहां के लोगों ने बाढ़ की चपेट में आने की वजह से, हम आपको बताते चलें कि ये वो एरियाज हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ कनकई नदी का इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभाव पड़ता है और प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि जब जब बाढ़ आता है भयावह तबाही मचती है। और हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ग्वाल टोली एक जगह है जहाँ से कनकई नदी ने नया रुख ले लिया है और इसकी वजह से भारी तबाही मची हुई है और कई ऐसे गाँव हैं जो इसके जद में आ चुके हैं और इसके आने की वजह से लोग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनका ये डिमांड है कि अगर इससे बचाव के लिए जब तक बोल्डर पिचिंग नहीं की जाएगी ये बहिष्कार करते रहेंगे। आप वीडियो में आगे देखेंगे कि साहब किस तरह से यहाँ के जिम्मेदारों ने न सिर्फ थाना प्रभारी से, न सिर्फ SDO BDO कलेक्टर से, बल्कि तमाम तर जिम्मेदारों से मुलाकातें की है, इनको मेमोरेंडम दिया है, इनको स्पष्ट कह दिया है कि हमारी इस डिमांड को पूरी की जाए। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं इस क्षेत्र के, तौसीफ आलम साहब जो कांग्रेस से आते हैं, इन्हें भी मेमोरेंडम दिया है, इन्हें भी इसकी सूचना दी गई है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए बोल्डर पिचिंग की जाए ताकि इन गाँवों की आबादी को बचाई जा सके। तो ये वो गांव है जहां पर फ्लड का जो है साहब इफेक्टेड होता है और कहीं ना कहीं कनकई नदी भारी तबाही मचाती है। मैं आपको बताते चलूं सिलसिलेवार तरीके से कि पत्थरघट्टी पंचायत के ग्वाल टोली, कमरखोद, गोवाबाड़ी, बेलबाड़ी, धोधरा, कुढ़ेली, डुबात टोली, बलवा डांगी, पाट गांव, खाड़ी बस्ती, आदिवासी टोला, ये वो गाँव है, ये मुख्य गांव का हमने जिक्र किया है। ये गांव है, वो गांव है जो पूरी तरह से फ्लड इफेक्टेड हैं, यहाँ के लोग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। कनकई नदी ने 2017 में जो तबाही मचाई वो तो मचाई थी, लेकिन अभी जो बारिश हुई थी पिछले दिनों इससे काफ़ी तबाही मची है और नदी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, एक जो है साहब एक नया मुंह उसने जो है, जो अपनी भाषा में बोलते हैं, वो एक नया मुंह उसका फूट चुका है, जिसकी वजह से ग्वाल टोली से जो है यहाँ पर लोगों को भारी तबाही हो रही है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है लोगों को। इसलिए तमाम तर जिम्मेदारों ने अब ये अहद किया है कि साहब जब तक हमारी इस जो समस्या है इसका समाधान नहीं निकाला जाएगा, जब तक बोल्डर पिचिंग नहीं की जाएगी, हम चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। सर, कहना तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अभी आप हमारे भाइयों से जो सवाल जवाब हुई, सबका एक ही मनसा है, सबका एक ही सोच है कि हमारे ग्वाल टोली में वहाँ जो नदी आई इस धार में, और हम लोगों का यही विरोध है कि वहाँ तटबंध हो और उसके बाद ही हम लोग वोट डालेंगे। वरना हम पूरे पंचायतवासी इस बार ठान लिए हैं कि जब तक हमारा ये इस धार में तटबंध ना हो, इसमें कोई काम ना हो, तो हम लोग वोट को नहीं देंगे। पंचायत का नाम भी बता सकते हो ना? हमारा पंचायत है पत्थरघट्टी पंचायत, और ख़ास करके हमारे पत्थरघट्टी पंचायत के अंदर में 8, 9, 10 वार्ड, ये तीनों वार्ड
का मामला ऐसा है, अभी 15 दिन पहले ऐसा मैटर सामने में आया कि हमारे बच्चियां 5 डिलीवरी पेशेंट था, जो कि उसका बाप उसका भाई उसको कंधे से उठा करके उस डॉक्टर तक पहुंचाया गया है। और हम लोग किस तरह से जी रहे हैं यहाँ जून से लेकर जुलाई तक, और अभी इस टाइम अक्टूबर का महीना है, अब तक हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। अब तक ना ही कोई प्रशासन, ना ही कोई MLA MP हमारा कोई बात सुना है। और उसके बाद हम लोग यही चाह रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो हम लोग धरना दिए, 2013 में भी दिए, 2017 में भी दिए, हमारे MP हमारे विधायक हमारे प्रशासन यही हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि आप में काम होगा, आपके नदी में काम होगा, आप लोगों का विकास होगा। लेकिन सर हम लोग हार गए हैं। बस एक ये रास्ता है कि मैं सरकार हमारा जो हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मैं कहना चाह रहा हूँ, आप मीडिया वाले से, और हमारे जो बिहार के राज्यपाल हैं, हमारे जिला का जो DM साहब है, तीनों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारी बात को सुने और इस दुख भरी कहानी को सुनकर आप हमारे इस काम को अंजाम दें, और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे वोट देने के लिए। वरना सर इस बार ठान लिए हैं, अगर मरना ही है कुदरत के द्वारा तो मर जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक हम लोगों का तटबंध नहीं होगा। ये हम लोगों का ये इस बार चैलेंज है, खुला चैलेंज दे रहा हूँ। मैं मोइनुद्दीन बोल रहा हूँ पत्रघट्टी पंचायत से। क्या करना चाहते हैं इसमें आप लोग? हम लोग वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का नदी का काम नहीं हो रहा है। बार बार हल्का वल्का मूस का बांध दे रहा है, उससे कट करके फिर पानी हम लोग को ही आ रहा है। फिर इस बार जो नदी फंस गया, हम लोग के यहाँ बांध होगा तभी कोई काम। लोग तो कह रहे हैं कि विधायक परवरूल पार्टी के विधायक भी कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है अभी तक, आपका पत्रघट्टी पंचायत ही पड़ता है ना, तो विकास क्या नहीं हुआ अभी तक? अभी तक विकास होता तो नदी थोड़ी आता हम लोग के यहाँ में। आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम लोग वोट का बहिष्कार इसलिए करना चाहते हैं कि आज 3-4 साल से पुल का निर्माण करके छोड़ दिया गया है जी, और कभी कभी नदी का पानी भी आता है तो क्या कहता है कि बोले ओ भला करेंगे जा करके, समझ गए? लेकिन इस बार जो बोरी का जो काम किया, एक मिनट, इस बार जो आप लोग बहिष्कार करना चाहते हैं, इससे पहले DM के वहाँ विधायक जी के वहाँ हम लोग चिट्ठी डाले कि हम लोग 2013 से लेकर 2017 तक 2-3 बार हम लोग वहाँ पर हड़ताल पर बैठे, भूखमारी की है, समझ गए? जानकारी दे दिया गया, सबको जानकारी दे दिया गया है। तो उसने फिर क्या कहा कि कुछ तो रास्ता बोरी उड़ी का काम करता है, बस यही करके चले जाता है। हम लोग को बोल्डर पिचिंग चाहिए वहाँ पर, क्या कहता है, डोम सड़क से लेकर के सरकारी कोला तक ग्वालटोली होते हुए स्टेट होते हुए हम लोग को सरकारी कोला तक बोल्डर पिचिंग चाहिए। आप क्या चाहते हैं सर? हम लोग 2013 में भी धरना प्रदर्शन किए और 2017 में भी किए, इसी परेशानी को झेलते हुए कि हम लोगों के यहाँ धाड़ा में नदी फंस रहा है, तो इस वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल, बहुत सारी बात, बहुत परेशानियों को झेलते हुए हम लोग बहुत सारा मेहनत किए, लेकिन मेहनत रंग नहीं लाने की वजह से हम लोग कदम ये उठा। ऐसा कौन सा नौबत हो गया कि आप लोग बहिष्कार करना चाहते हैं? बहिष्कार इसलिए हम लोग वोट का करना चाहते हैं, एक तो 1,40,000 का पुल ध्वस्त हो चुका है यहाँ पर नदी का धारा अख्तियार करने की वजह से। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पर काम भी होता है तो भ्रष्ट होता है, सुनने में आता है कि 40 लाख का काम हो रहा है लेकिन बांस का काम हो रहा है यहाँ पर, जो कि बांस का काम सर, एक मिनट सर रुकना चाहता हूँ कि इससे कुछ दिन पहले 15 से 20 दिन पहले विधायक जी भी शायद आए थे और उसने भी प्रस्ताव रखे थे कि यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया था। देखिए काम ऐसा शुरू किया गया कि जहाँ पर काम असल में ज़रूरी था, जहाँ कटाव था, जहाँ नदी फंसने का आशंका था, वहाँ काम रोक दिया गया और वहाँ पर बंबू बांस का काम नहीं हुआ। अली चौक जहाँ पर चौक है वहाँ से बांस का काम शुरू हुआ, जहाँ करके इस टाइम लेने के वजह से आप लोग क्या चाहते हैं? के वजह से वहाँ धारा में गिर गया और नदी सीमित हो गया। आप लोग क्या करना चाहते हैं? अभी हम लोग ये करना चाहते हैं, इस परेशानी की वजह से सरकार से विपक्ष से सरकार से मांग क्या आप लोगों लोग मांग से ये सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को यानी वो नदी तटबंध होना चाहिए, बोल्डर पिचिंग होना चाहिए 6 किलोमीटर लगभग, हैं नहीं तो हम लोगों का यानी दर्जनों गाँव और सैकड़ों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ ज़मीनें हम लोगों की बर्बादें हो जाएंगी, और हम लोग इस वजह से है ना वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद निशार अली।